उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। निषाद पार्टी को एक सीट दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है बीजेपी की ओर से। मझवा सीट निषाद पार्टी को दे सकती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से ये खबर। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी दो सीटों की डिमांड कर रही थी। कल दिल्ली में जेपी नड्डा से संजय निषाद ने मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये खबर है कि एक सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। तो जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और साथ ही आरएलडी को एक सीट दी हुई है, निषाद पार्टी को भी एक सीट दी जा सकती है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। कल जेपी नड्डा से भी संजय निषाद ने मुलाकात की थी और अब बड़ी जानकारी ये कि मझवा सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है बीजेपी की ओर से। तो लगातार अब आने वाले चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। पार्टियों का लगातार मंथन का दौर भी जारी है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी लगातार मंथन किया गया, चिंतन किया गया और अब जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि निषाद पार्टी को भी एक सीट बीजेपी की ओर से दी जा सकती है। संजय निषाद ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। संकेत, क्या क्या खबरें हैं सूत्रों के हवाले से? बिल्कुल, देखिए संजय निषाद ने कल मुलाकात की है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में थी, लेकिन संजय निषाद दो सीटें मांग रहे थे। निषाद पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, ऐसे में दो सीटें उपचुनाव में कटेहरी और मझवा संजय निषाद मांग रहे थे। इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने साफ कर दिया था कि ये बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 8 सीटों पर। उसके बाद संजय निषाद कल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो मझवा और कटेहरी पे संजय निषाद ने बात की है, दो सीटें वो मांग कर रहे हैं। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने के बीच में ये मंथन हुआ है कि एक सीट मझवा की संजय निषाद को दी जा सकती है। इस पर अंतिम मुहर आज लग जाएगी और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सूची भी शाम तक प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। दरअसल वजह यह है कि 25 से तक नामांकन की अंतिम तारीख है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास में अब सिर्फ 2 दिन का ही समय रहा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संकेत तमाम जानकारी के लिए आपका। कांग्रेस का यूपी विधानसभा उपचुनाव ना लड़ना लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस 7 चुनाव ना लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। कांग्रेस खुद चुनाव ना लड़ने के बावजूद गठबंधन धर्म निभाएगी। कांग्रेस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान करेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव की 10 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें दी है। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 2 सीट गाजियाबाद और खैर कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। गठबंधन में मिली इन सीटों पर कई दशकों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी तक चुनाव की तस्वीर साफ नहीं हुई है। फतेहपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। शादाब नाम के मुस्लिम शख्स पर आरोप ये लगा है कि 5 साल पहले उसने अपना नाम राजापाल बताकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसे भगाकर फतेहपुर ले आए। यहाँ पर किरायेदार के मकान में रखा 2 बच्चे पैदा होने के बाद जब बड़े बेटे का खतरा कराने की बात कही तो शादाब की पोल खुल गई। हिंदू लड़की ने बेटे का खतना कराने से मना किया तो उसने उसे जबरन गौमांस खिलाया। नमाज नहीं पढ़ने पर उसे मारपीट कर प्रताड़ित किया। इस दौरान शादाब एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गया तो महिला घर से बाहर निकली और हिंदूवादी संगठन के संपर्क में आने के बाद कोतवाली पुलिस के पास पहुंची। पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना थाना कोतवाली के आबू नगर मोहल्ले की बताई गई। जी, हमारी मुलाकात थी, इसका मोहम्मद सदाफ नाम है।
दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई थी, एक कारखाने से स्टार्ट हुई थी जी। इसने अपना मतलब नाम छुपा के दूसरा नाम बताया हमको कि हम राजापाली हैं और हम भी गायत्री पाली हैं। तो इसने जब प्यार का मतलब प्यार के जाल में इसने फंसाया झूठ बोल के, बन से ही हमको लाया मतलब झूठ बोल के ये मतलब कि हम राजापाली हैं, सब शादी करोगी बता के हमको लाया। जब लाया तो मुझे पता चला ही मतलब इसने कहा था निकाह करने के लिए, हमने कहा था चलो मंदिर में शादी करो निकाह ना करो। उन्होंने कहा था नहीं निकाह करनी, हम मुस्लिम हैं। तुमने कहा था मैं झूठ बोल के क्यों लाए हो, झूठ मतलब जब शादी करनी थी तो सच बोल के लाते। अपनी के नाम राजापाल बता करके उसको बहला फुसला के अपने को अपने घेरे में लिया और उससे बताया कि हम हिंदू हैं और कानपुर में मेरा मकान है, जबकि उसका कोई मकान फतेहपुर में भी नहीं है, निजी मकान किराए से रहता है। और ऐसा बता करके उस लड़की को जब 6-7 महीने का पेट में बच्चा हुआ तो दिल्ली से यहाँ आ गए फतेहपुर, और बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल 1 साल 1.5 साल बीता, फिर उसको प्रताड़ित करने लगा कि हिंदू रीति रिवाज से विवाह करो लड़के का। अब उसका बच्चा 3 साल का हुआ तो उसको खतना कराने के लिए उसको प्रेशर कर रहा है कि उसका खतना कराओ जो मुस्लिमों में कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है वो लड़की को वो पसंद नहीं था, गाय का मांस खाने के लिए बाधित करता, ऐसी सब जानकारी मिली। तो मैं बजरंग दल के सहसंयोजक होने के नाते जब हम लोगों को पास जानकारी मिली तो उसके खिलाफ हम लोगों ने विरोध किया। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पर हाईवे पर आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में एक ट्रक गहरे गड्ढे में गिर गया। ट्रक के गड्ढे में गिरने के साथ ही उसमें आग लग गई और ट्रक धू धू कर जलने लगा। ट्रक को जलता हुआ देखकर राहगीरों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। ट्रक जलने का वीडियो सामने आया कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के असऊपुरा में यह हादसा हुआ है। वो तो गनीमत ये रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में बैटरी और प्लास्टिक का लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था। दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। पूरे एनसीआर में एक धुंध की चादर देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है और दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा फेज लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कोयले और जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही होटलों, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में तंदूरों पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही डीजल जनरेटर सेटों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी, वेल इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर। UPRNN के प्रोजेक्ट मैनेजर के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा किया गया है। तो दिल्ली नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी, ये बड़ी खबर इस वक्त। 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हरदोई में बीज भंडार की दुकान में 466 बोरी नकली खाद की मिली है। अफसरों की टीम ने छापेमारी की तो इसकी पोल खुल गई। प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया, हालांकि आरोपी दुकानदार मौके से फरार हो गए। टिकरा दाऊदपुर गांव में बीज भंडार की दुकान के नाम पर नकली खाद बनाने की शिकायत मिली थी और इसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने संडीला SDM, CO, नायब तहसीलदार को साथ लेकर छापा मारा और दुकान को सील कर दिया।